चैनल आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो टॉपिक आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। तो हम आपको एक बार और बता देते हैं कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है कि आपका जो गूगल पे होता है, जो आप गूगल पे यूज करते हो, आपके यहाँ जो गूगल पे ऐप होता है, एप्लीकेशन होता है, उससे आप जो अपने ट्रांजेक्शन करते हो अपनी हिस्ट्री कैसे डिलीट कर सकते हो परमानेंटली। आप अपनी गूगल पे की हिस्ट्री होती है जो बढ़ जाती है आपको बहुत ढूंढने में, जो आपका रिलेटिव होता है, पास का होता है, करीबी होता है, उसका जो आप नंबर होता है, ट्रांजेक्शन आईडी होती है, वो आपको ढूंढने मुश्किल होती है। तो आप अपनी हिस्ट्री कैसे डिलीट कर सकते हो गूगल पे के, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं लंबा ना करते हुए। तो आपको क्या करना है, वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर क्लिक करके रख लेना है ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं गूगल पे पे। तो आपको चले जाना है अपने गूगल पे ऐप पे। तो आपको क्या करना है, आपको हम दिखाते हैं आपका कौन सी हिस्ट्री होती है। यहाँ नीचे आप देख सकते हो सी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये आपको क्लिक करना है। इस पर आप देख सकते हो कितनी सारी आपको हिस्ट्री शो कर जाएंगी यहाँ पे। ये आप डिलीट कैसे कर सकते हो परमानेंटली, आपको डिलीट कैसे कराता है, यहाँ कोई ऑप्शन आता नहीं डिलीट करने के लिए। तो हमको क्या करना है इसके लिए, आपको क्या करना है, सीधे आपको सबसे टॉप पे अपने स्क्रॉल करके ऊपर को क्या करना है, सिंपल से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा, तो आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ मिल जाएगा सेटिंग्स का ऑप्शन, जो आप यहाँ देख सकते हो फोर्थ नंबर पे यहाँ आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है सिंपल से। सिंपल से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ चले जाना है पर्सनल इन्फो पे। यहाँ आप सबसे ऊपर देख सकते हो पर्सनल इन्फो दिखाई दे रहा है और नोटिफिकेशन ईमेल दिखाई दे रहा है, प्राइवेट एंड सिक्योरिटी। तो आपको क्या करना है, प्राइवेट एंड सिक्योरिटी पे आपको चले जाना है, थर्ड ऑप्शन पे आपको ये आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जब क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा डाटा एंड पर्सनैलिटीज। तो आपको क्या करना है, सीधे यहीं ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे आपको यहाँ दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे सेकेंड ऑप्शन पे गूगल अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप रीड कर सकते हो, अगर आपको इंग्लिश में रीड करना नहीं आता तो आप यहाँ से कॉपी करके गूगल से ट्रांसलेट करके हिंदी में समझ सकते हो। उसके बाद आप कोई आगे प्रोसेस करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल अकाउंट्स का ऑप्शन आ रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ क्रोम सा ओपन हो जाएगा। क्रोम ओपन होने के बाद आपको कुछ आपको कोई सा एक गूगल का पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ कुछ नोटिस दो चार पॉइंट आपको, इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़े दो तीन पॉइंट आपको यहाँ रीड करने हैं। रीड करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ जितनी आपकी ट्रांजेक्शन रहेंगी, हिस्ट्री रहेंगी, वो आपको यहाँ सारी शो करेगी ऊपर से नीचे तक। आप जितना स्क्रॉल करोगे आपको उतना पुराना हिस्ट्री मिलता रहेगा। तो आप यहाँ एक एक करके डिलीट कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ कट वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आप एक एक करके भी डिलीट कर सकते हो। और यहाँ आपको नीचे थोड़ा ऊपर इसी के ऊपर आपको डिलीट्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप यहाँ क्लिक करके परमानेंटली सारे एक साथ डिलीट कर सकते हो। यहाँ कस्टम रेंज भी है, आप डेट डाल के डिलीट कर सकते हो ऑल टाइम्स के लिए भी, मतलब जितने आपकी हिस्ट्री को सारी डिलीट हो जाएगी। इसके बाद आपका जो पेज होगा वो रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश होने के बाद आपको क्या करना है, अपने पेज को कट करके वापस से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको वहाँ चेक करोगे तो आपकी सारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। तो हम आपको करके दिखाते हैं आगे प्रोसेस, तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। तो आप यहाँ देख सकते हो ये जो आपको यहाँ ऊपर कट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये आप यहाँ से एक एक ट्रांजेक्शन भी कट कर सकते हो। और आपको इस महीने की ट्रांजेक्शन कट करनी है तो यहाँ आप ऊपर देख सकते हो उस महीने की डेट दिखाई देगी, मई 6 तारीख की जितनी आपकी ट्रांजेक्शन होगी वहाँ से आप ऐसे कट कर सकते हो। कट करके यहाँ देखिए कट वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर कट लगाओगे तो आपका ट्रांजेक्शन कट होता रहेगा और यहाँ आपको वो बताता रहेगा कि आपका कंप्लीट हो चुका है ट्रांजेक्शन, आपका जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हो कम्प्लीटली फंडामेंटली डिलीट हो चुका है। ये आपको गूगल पे दोबारा शो नहीं करेगा। तो ऐसे ही आपको सारे एक एक करके या एक साथ आप डिलीट कर सकते हो। तब तक के लिए आगे और प्रोसेस बताएंगे, वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ डिलीट्स पर क्लिक करना, डिलीट्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑल टाइम्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको इस पर ऑल टाइम्स वाले क्लिक करना है। अगर आपको सारे अपने परमानेंटली ट्रांजेक्शन सारे डिलीट करनी हो तो आपको ऑल टाइम्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद आपको नीचे डिलीट्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर डिलीट्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको उस पर क्लिक कर देना है सीधे से।
उसके बाद आपको नीचे गोटेट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ गोटेट वाला ऑप्शन है। आप चाहें तो यहाँ से अपनी सारी हिस्ट्री जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ डाउनलोड योर डाटा का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, गोटेट पर क्लिक करना है। उसके बाद सारी आपके जो ट्रांजेक्शन होगी डिलीट हो चुके हैं आपके, यहाँ आप देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, पेज रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको बैक चले जाना है।